है आपकी हम चित्रकूट से है, इस देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपका ये आपकी पूरी दुनिया में अद्भुत और अविश्वसनीय अकल्पनीय है रामलला की मूर्ति। और देखिए रामलला की मूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। लेकिन देखिए शेषनाग विष्णु जी की भी तस्वीर देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। विष्णु जी हैं और विष्णु जी के ही अवतार थे प्रभु श्री राम। कच्छप अवतार भी उनका था, प्रभु श्री राम भी विष्णु जी के ही अवतार थे। तो आज देखिए वहाँ पर मुख्य द्वार पर विष्णु जी की तस्वीर आप देख सकते हैं, दर्शन करिए। और फिर देखिए सैन तस्वीर है विष्णु जी की, जो शेषनाग भी दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन एक बार फिर जयपाल रावत जी ये ऐतिहासिक पल है, ये ऐतिहासिक क्षण है। जरा आप देखिए जिनके अवतार हैं आप, तरह से प्रभु श्री राम के फिर दर्शन करिए आप। जी जी जी, प्रभु श्री राम के फिर दर्शन करिए राम। और देखिए जय श्री राम, इस तरह से जय श्री राम। मैं आपको न्यूज 18 इंडिया के जो दर्शक एक बार फिर बता दूं, न्यूज 18 इंडिया के जो दर्शक देर से जुड़े हैं उनके लिए फिर प्रभु श्री राम की जो आज मूर्ति है, जो जीवंत है, जो अब काल्पनिक नहीं है, कि कैसी चित्र होगी आप देखिए जरा, एक बार फिर दर्शन करिए। अब ये काल्पनिक बात नहीं है, ये आप देखिए प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। ये जो प्रभु श्री राम की मूर्ति है वो बोल रही है, वो आपको भाव भंगिमा के जरिए आशीर्वाद दे रही है। ये प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो बालक काल की भले हो लेकिन मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है। शायद ये जो 500 सालों का संघर्ष रहा है, प्रभु श्री राम जो टेंट में रहने के बाद अब ठाट से पूरे गर्व के साथ हिंदू जो हैं, या जो लोग हिंदुत्व को मानते हैं, या जो लोग राम भक्त हैं, उन सबके लिए जो ये पल है। देखिए घंटा, देखिए ये, देखिए जिन घंटों की बात हो रही थी, घंटे यहाँ पे लगाए गए हैं, हम भी बजा रहे हैं इसको। और दूसरी तरफ देखिए प्रार्थना, श्री रामचंद्र कृपाल भजु बन हर भय दारुम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद करुणावर्तम। देखिए ये, और जिन दरवाजों की बात हो रही थी, स्वर्ण दरवाजे, सोने के दरवाजे, जरा दिखा दीजिए जयपाल जी, ये सोने के दरवाजे दिखाइए। प्रभु श्री राम बहुत कष्ट झेला है, बहुत मुश्किल रही है, झंझावत रहा है, विवाद रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, और कहा भी जाता था देखिए हिंदुस्तान के संविधान की इससे खूबसूरती क्या होगी, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या होगी, कि 500 साल तक इंतजार किया है राम भक्तों ने प्रभु श्री राम को, एक अदद उनका मंदिर प्रासाद और घर दें। देखिए ये देखिए, ये भी सोने का, फूलों से की गई है, स्वर्ण जड़ित, ये आपका मयूर, ये देखिए मयूर बैठा है, ये मयूर है। सोने के दरवाजे लग गए हैं, जो वैभव होना चाहिए राजा राम के मंदिर में, जो प्रासाद में राम राज की झलक दिखनी चाहिए, जो प्रभु श्री राम जो हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य देवता हैं उनको अगर आप देखिए, ये देखिए। अब दूसरी तरफ भी मैं लेके आपको आया हूँ, जरा ये नक्काशी देखिए, ये देखिए आज 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 यहाँ पर जो कुछ हुआ, इतिहास बना। देखिए ये हवन कुंड है, ये हवन कुंड है, यहाँ पर हवन हुआ। और आप देखिए दूसरी तरफ आतिशबाजी, अगर आप देखिए दूसरी तरफ कैसे आतिशबाजी हो रही है प्रभु श्री राम के मंदिर से, ये देखिए हर्ष का विषय है। ये राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक दिन है, भावना से भर जाने वाला दिन है, उनके हृदय को भाव विभोर कर देने वाला दिन है, उनकी आकांक्षा पूरी होने का दिन है, उनकी तमन्ना के मूर्त रूप लेने का दिन है। हिंदू भक्त जो हैं, राम भक्त हैं, वो हर्षित हैं, मुदित हैं, प्रफुल्लित हैं। और प्रभु श्री राम, साध्वी जी आपने देख लिया प्रभु श्री राम को? मैंने प्रभु श्री राम का दिव्य दर्शन किया है। हाँ। और आज 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कैसी जरा ये बता, भगवान की मूर्ति बिल्कुल बहुत ही सौम्य और सुशोभित और दिव्यता से भरी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ में भगवान की मन में क्या है, मन में क्या है, खुशी हद खुशी है, और इतनी भावना है कि मत पूछो, बात को शब्दों में नहीं कह सकते। पूरे भारत देश सजा रहे, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। देखिए जरा देख लीजिए भावनाएं कैसे हिलोर मारती हैं, और सालों दशकों हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम को एक घर, एक प्रासाद, एक महल, एक मंदिर में विराजमान करवाने के लिए हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए ही ये संभव हुआ है। तो ये मैं आप एक बार फिर दिखा दूं, प्रभु श्री राम के जरा दर्शन कर लीजिए। ये नयन, ये अखिया थक नहीं रही है अखिया,
ये जरा एक बार फिर देखिए न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाइए प्रभु श्री राम की ये कितनी मुस्कुराती कितनी सुकोमल सुंदर ये प्रतिमा है, राम की भी छवि है जो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जी जान लगा दिया है, प्राण डाल दिया है इस मूर्ति में। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से नदियों के जल आए, पूरे देश की मिट्टी आई। भाव भंगिमा उसी तरह की है जैसे एक सुकोमल बालक अपनी माँ के गोद में। आगे आ जाइए, पीछे पीछे बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है, राज्य गए, महाराज गए, गए, पर जो सिस्टम दिया ना गुंडा ठगाड़ दिया उसने बड़ी अन्ना तो को गाड़ सका था, अन्ना किसे का बस की थी। आप रो पड़ू भाई, रो पड़ू, हाँ रो पड़ू नहीं, अंदर घुसते घुसते रो पड़ा, आंख में आंसू आ गया। ये आगे की हम मकान में खड़े हैं और प्रभु तंबू में खड़े हैं। आज आज है ना कति गद गद, देखिए हाथ जोड़ के ये भावना, ये भावना समझिए, सुनिए, ये दिल का दर्द देखिए, ये आंखों का पानी देखिए, ये जुड़े हुए हाथ देखिए। अब आपको समझ में आएगा कि राम भक्तों की भावना कैसी है, आज हृदय कैसे प्रफुल्लित है, कैसे गदगद हैं राम भक्त। सबरी भाई के बोर लेके आए थे, सबरी भाई के बोर आदिवासी समाज के और भील समाज से, जो सबरी भाई राम ने जो राम को बोर खिलाए थे वही यहाँ पे हम अब ग्यारह जोड़ा लेके आए थे। आप एक बार फिर देखिए, एक बार फिर देखिए, ये भक्तों का रैला देखिए, ये जो भक्त आ रहे हैं, ये जो भक्त दर्शन कर पा रहे हैं, जरा उनके बारे में सोचिए। प्रभु देखिए, पुणे से आ रहा हूँ प्रभु, पुणे से, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना आनंद हो रहा है ना, 500 साल से हमारा वनवास छूट गया, बहुत उनका बहुत खुश है, बहुत खुश है। दर्शन हुआ यहीं से, दर्शन हुआ कि नहीं, अभी हो गया दर्शन? अभी नहीं, ये पास अंदर। अच्छा दर्शन दर्शन दर्शन, जी जी जी, दर्शन हुआ। बहुत ही अद्भुत नजारा है, इतना आनंद आ गया है, पूछो मत, सुबह से खड़े हुए थे, दर्शन मिल गए हैं, बहुत ही खुश है। जय सिया राम, राम लला आए हैं, राम राज्य फिर से आया है, राम लला आए हैं। और जयपाल जी अभी मथुरा में होना है, मथुरा, जयपाल जी, ये हम कहीं मंदिर के बाहर से लोगों की भावना नहीं बता रहे हैं, इन लोगों ने दर्शन किया सामने सामने सामने, दर्शन किया सामने, दर्शन किया प्रभु श्री राम की। आप देखिए प्रभु श्री राम साक्षात विराजमान है, लोग मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद करना चाहते हैं। मैंने आपको कई बार प्रभु श्री राम के दर्शन करा दिए, आप देखिए ये पुण्य लाभ, आपको पुण्य लाभ न्यूज 18 इंडिया मिला, जी बताइए। जो भगवान श्री राम के जो हमने स्वर्ण रूप में जो श्याम रंग में वर्णन में हमने दर्शन किए, बहुत मन प्रसन्नित हो गए। मेरे पापा कार सेवक में आए थे 1992 में, तो मुझे गर्व अपने आप पे, मुझे गर्व है अपने आप पे कि मेरे पापा कार सेवक के रूप में आए थे, पर मुझे अपने गर्व होने के रास्ते तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है। कैमरा पर्सन यहाँ पर तमाम तमाम भाग हैं, आपको तस्वीरें आपको, ये तस्वीरें आपको देखे कि यहाँ पर राम मंदिर की ये तस्वीरें, और इस समय श्री रामचंद्र की पाल हरण भव गंधर्व गणित अमृत जब नव नील नील
से रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ बोलिए। रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट ये है कि ये जो लड़का आपको दिख रहा है ये दिव्यांग है। अच्छा। ये बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा। लेकिन जरा इनके भाव देखिए कितनी खुशी है। नहीं सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो भाव है भगवान, यही राम राज्य के भाव है, यही राम राज्य के भाव है। देखिए एक बार फिर देखिए, ये देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन जरा हृदय देखिए। बहुत खुश है कि साक्षात भगवान जी, मतलब हम सब अवेलेबल है कि कभी भी हम कोई भी चीज मांग सकते हैं। ऐसा पूरी दुनिया देख रही है आपकी चैनल को। धन्यवाद है, कोटि कोटि अभिनंदन है। राम के काज को दिखा रहे हैं और ऐसे वरिष्ठ व्यक्तियों की जरूरत है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं हम। एक बार फिर देखिए, एक बार फिर देखिए, जरा आइए आइए देखिए। वो भी आ गई प्रभारी, ये पत्थर बहुत सालों तक आपके पास रखे रहे। हाँ। अब जरा इनकी छटा देखिए और आनंद है, एकदम आनंद है। प्रभु श्री को देखा आपने? देख लिया, दर्शन कर लिया। और न्यूज 18 इंडिया के जरिए ये राम मंदिर के अंदर की तस्वीर, रामलीला का ये दिव्य दर्शन, ये अलौकिक दर्शन इस वक्त तमाम राम भक्त कर पा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी पूरी टीम अंदर मौजूद है इस वक्त और वहां से लाइव कवरेज इस वक्त हम दिखा रहे हैं। यतेंद्र, अरुण सिंह और रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो मंदिर परिसर के अंदर ही है और वहीं से ये झलकी भगवान रामलीला की इस वक्त आप यहाँ देख पा रहे हैं। जो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं भगवान रामलीला की हैं। ये वही रामलीला हैं जिनका इंतजार 500 साल तक तमाम राम भक्तों ने किया और आज वो दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया की इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए। अरुण लगातार हमारे साथ अंदर मौजूद है। अरुण, क्या माहौल इस वक्त अंदर, क्योंकि आरती भी वहां पर है, रवि भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले रवि के पास चलेंगे, अरुण आपके पास हम लौटेंगे जरूर। रवि, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे वहां पर, किस तरीके की झलकी वहां देखने को मिल रही है परिसर के अंदर? सबसे पहले मैं न्यूज 18 इंडिया के जरिए तमाम उन दर्शकों, तमाम उन श्रद्धालुओं को राम, प्रभु राम के दर्शन करवाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है आज ही, ये इसकी आज आज ये देखिए, आज प्रधानमंत्री आए थे और प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपको, और यहाँ पर आप माहौल देखिए, इसमें तस्वीरें दिखाएं। तमाम ऐसे श्रद्धालु अंदर आए हैं दर्शन करने के लिए। और हम बात करते हैं, दर्शन हो गए आपके? हाँ, दर्शन हुआ। दर्शन हुए? हाँ, दर्शन हुए। रवि, आपके पास हम वापस लौटेंगे। यतेंद्र भी हमें कुछ दिखाना चाह रहे हैं। यतेंद्र, क्या आपके पास है वहाँ पर, क्या आप मंदिर के परिसर के अंदर ही मौजूद हैं? ये राम जन्मभूमि इतना अच्छा बना है, दिव्य है, उनको विराजमान किया गया, यानी कि जो शायद यही कारण है कि सदियों के बाद ये मौका, तो देश में दीपावली मन रही है, पूरा देश ही नहीं, विदेशों में जो करोड़ों राम भक्त हैं वो दीपावली आज मना रहे हैं, क्योंकि एक गौरवशाली पल है देश को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि